ओके, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, और उसकी जो डिसीजेज है, मीन्स डिटेक्शन करना कि कौन सी डिसीजेज है। वैसे मैंने इसके बारे में आपको पहले एक दिन थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था इस लेक्चर के बारे में, लेकिन अगर इसको डिटेल में हम करेंगे तो डिटेक्शन एंड जो डायग्नोज है वो कैसे करेंगे डिसीज की। सो जितनी भी, अगर हम बात करें, जितनी भी डिसीजेज हैं, प्लांट की डिसीजेज हैं जितनी भी, उस पे फंगल डिसीजेज भी हैं, वायरल डिसीजेज भी हैं, इंसेक्ट के थ्रू भी डिसीजेज आती हैं। लेकिन जैसे जो फंगस डिसीजेज हैं, जो फंगस डिसीजेज है उसकी जो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस है वो उसको हम इंसेक्ट से रिलेट नहीं कर सकते। वो फंगस के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन सी ये डिसीज हो सकती है, उसके बेसिस पे होती है। लेकिन जो डिसीजेज इंसेक्ट से रिलेटेड होती है, या फिर इंसेक्ट के माउथ पार्ट की कटिंग से रिलेटेड, या उसकी लार्वल स्टेज की कटिंग से रिलेटेड होती है, या उसकी एग लेइंग की कटिंग से होती है, उसकी हम डिटेक्शन करेंगे कि उसके जो च्यूइंग पार्ट है इंसेक्ट के, कैसे च्यूइंग पार्ट है, कैसे वो डैमेज करता है जो फुल प्लांट है उसको। ठीक है, इंसेक्ट विद च्यूइंग माउथ पार्ट, जो इंसेक्ट्स जो हैं च्यू करते हैं प्लांट के लीव्स के ऊपर या किसी भी प्लांट के पार्ट के ऊपर, तो उनका जो डैमेज होगा, जो च्यूइंग जिनके च्यूइंग माउथ पार्ट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, अगर वो डैमेज करेंगे तो वो कैसे डैमेज करेंगे। अपीयर्स ऑन लीव्स और स्टेम्स एज रैग्ड एजेस, होल्स और अदर मिसिंग टिश्यू। मीन्स जो च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं वो अगर किसी भी प्लांट के ऊपर डैमेज करें तो रैग्ड एजेस प्रेजेंट होंगे उस पे, हमेशा वो क्या करते हैं, होल्स कर देते हैं उसमें। और वहां से क्या होता है, जो प्लांट से जिस एरिया पे, जिस पार्ट पे उन्होंने लीव के फीड किया है, वहां पे क्या होगा, मिसिंग टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो मोस्टली जो च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट, अगर हमें ये डिटेक्शन करनी है कि ये डिसीज कौन सी है, देखो अगर प्लांट के ऊपर किसी इंसेक्ट ने फीड कर लिया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसकी डायग्नोज करेंगे कि ये अभी डिसीज है, डिटेक्शन कर रहे हैं ना, ये फंगस है या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू है। ठीक है, डायग्नोज करने पे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो उसके लीव्स के ऊपर अगर रैग एजेस पड़ी हुई हैं, या उनके ऊपर होल्स हैं, या फिर कुछ मिसिंग टिश्यू प्रेजेंट है, तो वो किसके कारण है, च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट जो इंसेक्ट है उसके कारण है। तो उसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आएंगी, मेनली जो कैटरपिलर्स हैं, लार्वल स्टेज जिसको हम बोल देते हैं, वो फीड करते हैं, एंड ग्रास होपर्स, जो ग्रास होपर्स हैं उनके जो च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, ये जस्ट आप इसका डैमेज पढ़ रहे हो कि कौन कौन से माउथ पार्ट कैसे डैमेज करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट विद पिर्सिंग एंड सकिंग माउथ टाइप, मींस वो इंसेक्ट जैसे एफिड्स, स्केल्स, फ्लाइज, ठीक है, वो कैसे जो पिर्सिंग भी करते हैं और प्लांट में से सकिंग भी करते हैं। तो अभी जैसे अगर हम सकिंग की बात करें, तो सकिंग में क्या होगा, ये एक कॉमन सेंस सी चीज है कि अगर किसी चीज से किसी चीज को सक कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो मेनली उसका प्रपोर्शन है प्लांट का, जो उसमें एक विल्टिंग स्टेज सी आ जाएगी। ठीक है, मींस के उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका जो मेनली जो डैमेज होगा वो क्या होगा, हैव स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स दैट दे मोर मूव लेटरली टू ऑफन कॉज येलोइंग और ब्राउन ऑन प्लांट्स एंड पॉसिबल विल्टिंग। ये जस्ट मेन मेन इन्होंने पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। तो जो मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगी, जिस ये पूरे सब्जेक्ट की आपके उसमें नोट्स होंगे, उसमें पूरी डिटेल में आपको सारा दिया होगा कि कौन कौन से मेथड है, कौन सा इंसेक्ट है, वो क्या करता है। मेनली आपको इनकी जो एग्जाम्पल्स है वो पता होनी चाहिए कि च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट है वो, अगर वहां पे कोई मिसिंग टिश्यू प्रेजेंट है, अगर होल्स प्रेजेंट है, तो वो च्यूइंग टाइप के जो इंसेक्ट हैं उनकी वजह से हो रहा है। उसमें जो कैटरपिलर्स और ग्रास होपर्स आते हैं, जो पिर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट हैं इंसेक्ट्स के, वो जो डैमेज करेंगे टिश्यू को वो करेंगे, लीव्स जो है वो येलोइंग हो जाएगा और पॉसिबल है कि विल्टिंग हो जाए। विल्टिंग मीन्स कि उसका मॉइस्चर कंटेंट खत्म हुआ तो वो
विल्ट हो जाएगा। तो इसकी जो एग्जाम्पल आएगी वो आपकी आएगी एफिड्स, स्केल्स, स्पाइडर, माइट एंड व्हाइट फ्लाइज, द डीफॉलिएटर्स। हम अगर ऐसे हम लीव्स देखते हैं तो मेनली हमें डिटेक्शन क्या होती है कि ये कोई डिसीज है, ठीक है। लेकिन क्या है कि डीफॉलिएटर्स क्या है, इसका जो डैमेज होता है ये बिल्कुल उसको प्रॉपरली फीड कर जाता है उस पे, प्लांट के ऊपर, उसकी स्ट्रिप्स के ऊपर, मतलब प्रॉपरली उसको मतलब जो प्लांट का जो लीव है उसको मेनली प्रॉपर डैमेज करके और बिल्कुल जो प्लांट का लीव है उसको डेड कर देता है, और उसमें कोई होल्स वगैरह नहीं पड़ते। ये नियरली मतलब 100% में से 80% जो है डिफॉलिएटर्स हैं वो डैमेज करते हैं। तो मेनली इसमें कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा, इसमें इंसेक्ट के जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस, कैटरपिलर स्टेज है वो डिफॉलिएटर्स में आती है। इसमें काफी सारे कैटरपिलर्स हैं जो आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉर्बोरर्स, इसका डैमेज क्या है, बॉर्बोरर्स का डैमेज है जो देखो अभी ये इसका नेम ही ऐसे है कि बोरो टाइप, बोरर्स का नेम है, बॉर्बोरर्स का नेम है जो इसका डैमेज होगा वो क्या होगा, बोरो इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स लीविंग टेलटेल टनल्स इन दी लीव्स। इसके इसमें ये कौन करता है, लीफ माइनर्स। तो कई बार जो इसकी जो बोरर्स होते हैं, इनकी जो बोरर्स क्या होते हैं, जो अंदर ही अंदर कुछ अपनी स्पेस बना के वहां पे प्लांट को अंदर से बिल्कुल खाली कर देते हैं अगर लीव्स के पोर्शन पे। तो मेनली इसका क्या लगता है कि ऐसे लगता है कि ये कोई ऐसी डिसीज लगी हुई है उसके ऊपर। तो मेनली क्या होता है, ये बोरर्स होते हैं जो लीव्स के प्लांट के ऊपर मतलब टनल्स बना लेते हैं लीव्स के अंदर ही, ठीक है। तो इसकी जो डैमेज है वो ऐसी शो करती है। तो मेनली इसमें क्या है, लीफ माइनर्स आते हैं। नेक्स्ट है द गाल मेकर्स। तो जैसे ये गाल मेकर्स होते हैं, इसका भी ऐसे ही लगता है जैसे ये कुछ पार्ट सा है या कुछ टिश्यू है पड़ा हुआ है, वो स्वेलिंग इसकी डैमेज ऐसे लगती है कि जो प्लांट टिश्यू है वो कुछ स्वेलिंग टाइप का हो गया। जस्ट 1 मिनट होल्ड करना स्टूडेंट्स, स्क्रीन सभी को विजिबल है, यस मैम, यस मैम, स्टूडेंट यस मैम, कर रहे हैं। आवाज भी क्लियर है सभी को? यस मैम, यस मैम। ओके ठीक है। गाल मेकर्स, इसका जो डैमेज होता है ये एक राइस में भी प्रेजेंट होता है ये गाल मेकर, ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। इसका जो डैमेज होता है, जब ये डैमेज करता है ना प्लांट को, तो इसके लीव्स के ऊपर जो गाल मेकर्स की अपियरेंस शो होती है, वो अपियरेंस कैसी होती है कि जैसे कुछ टिश्यू है वो स्वेलिंग टाइप का टिश्यू, कुछ स्वेल हुआ पड़ा है प्लांट के ऊपर, कुछ ऐसी डिसीज है जो डिटेक्ट नहीं होती। लेकिन क्या है, मेनली ये भी इंसेक्ट के थ्रू ही होता है, और इसमें जो आता है वो क्या है, इंसर्ट ऑल और पार्ट ऑफ देयर बॉडीज इनटू द प्लांट टिश्यू, मींस के ये इंसर्ट कर जाता है अपनी बॉडीज को प्लांट टिश्यू के अंदर एंड टिपिकली इनटू लीव, स्टेम्स और ट्विंग्स, मींस के जो ये लाइफ साइकिल अपना जब कंप्लीट करता है, मे बी इसके जो एग्स हैं या इसके जो लार्वल स्टेज हैं ये उसके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाता है। और मेनली जो टिश्यू है जो उसकी स्टेम्स हैं वो ऐसे लगता है कि जो टिश्यू है वो कहीं से स्वेल हुआ हुआ टिश्यू है। लेकिन ये क्या है, ये भी इंसेक्ट की वजह से ही जो डैमेज है लीव के ऊपर, इंसेक्ट की वजह से ही डैमेज होती है। ये है गाल मिट्स, दी गाल मेकर्स क्या है, गाल मिट्स सेम जैसे बोरर बोरो करते हैं, तो ये क्या है, गाल मिट्स। ओके उसके बाद है फ्लोएम बोरर्स, जाइलम फ्लोएम पता है ना, वुड के अंदर टिश्यूज होते हैं, टू टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो होते हैं ट्विंग ट्विंग्स होते हैं, इसको पाउडर पोस्ट पीटल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ये डैमेज करते हैं
cause damage by feeding on living wood and wooden structure. Phloem borer, the wood borers. So इसका जो इस टाइप का डैमेज है तो कई कई बार ऐसे ही लगता है कि फ्लोएम जैसे जाइलम फ्लोएम का क्या है कि फूड न्यूट्रिशन जो मटेरियल है उनको एक एक जगह से दूसरी जगह तक लेके आना प्लांट में, तो अगर ये फ्लोएम बोरर्स है तो उसके ऊपर फीड करेंगे तो मेनली इनका क्या होता है कि ये पूरे प्लांट के ऊपर इफेक्ट करते हैं. वहां से एक यहाँ पे तो जस्ट आपको एग्जाम्पल्स दी है ना, अगर हम अब इनकी डिटेल में जाएं तो ये क्या करते हैं कि अगर उस पार्ट के ऊपर इन्होंने फीड कर लिया तो एक वहां पे पोर्शन ये बिल्कुल फिनिश कर देते हैं और जो ऊपर वाला पार्ट है जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है और जो लिविंग सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं. तो इसमें क्या डैमेज कॉज करता है बाय फीडिंग ऑन लिविंग वुड एंड वुडन स्ट्रक्चर द वुड बोरर द फ्लोएम बोरर. स्टेप्स इन डायग्नोसिस ऑफ इंसेक्ट डैमेज. डिफाइन द प्रॉब्लम. सबसे पहले अगर हम स्टेप्स करें डायग्नोज इंसेक्ट डैमेज के लिए, सबसे पहले क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है क्या, उसको उसका पता होना चाहिए कि ये फंगस है या इंसेक्ट है. क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको वो फंगल डिसीजेज होती है तो हम उसको सोचते हैं कि ये इंसेक्ट की वजह से डैमेज होगा, नहीं तो कुछ इंसेक्ट की डिसीजेज होती है जैसे ये गाल मिर्च था, तो ये मेनली पता चलता ही नहीं है कि इसके अंदर कोई इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट की वजह से कुछ डैमेज है. तो प्रॉपरली प्लांट की आइडेंटिफिकेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली उसकी जो हिस्ट्री है उसके रिलेटेड पता होना चाहिए कि हाँ इस प्लांट के ऊपर कौन से इंसेक्ट पेस्ट हैं जो फीड करते हैं, या कौन से इंसेक्ट पेस्ट का ये हॉस्ट प्लांट है. ठीक है, नॉर्मल प्लांट वुड लुक लाइक एट द टाइम ऑफ द ईयर, डिस्क्राइब द एबनॉर्मेलिटी सिम्टम एंड द साइंस. फिर उसके बाद क्या है, एग्जामिन द इंटायर पार्ट एंड इट्स कम्युनिटी. मीन्स के उसको जो इंटायर प्लांट है उसको एग्जामिन करो, डिटरमाइन द प्राइमरी प्रॉब्लम एंड पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इनिशियल डैमेज अक्कर. मीन्स के अगर हम पहले प्लांट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो करेंगे, उसके बाद इंटायर प्लांट को देखेंगे एंड उसकी जो कम्युनिटी है उसमें जो इनिशियल स्टेज का डैमेज है, जिस स्टेज पे जो डिसीज है वो अक्कर हुई है, जिससे आपको पता चला कि इस इनिशियल स्टेज इसकी ये स्टेज है, सबसे पहले आप उसको एग्जामिन करोगे. लुक फॉर पैटर्न्स. फिर उसके बाद आप उनके पैटर्न्स जो डिसीज है कैसी वो डिसीज है उसके आप पैटर्न्स के ऊपर वर्क करोगे कि जो डिसीज के पैटर्न्स हैं वो कैसे हैं. सबसे जैसे कि इन्होंने टू पैटर्न्स बताए हुए हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डैमेज पैटर्न है या फिर जो यूनिफॉर्म डैमेज पैटर्न है. तो जैसे नॉन यूनिफॉर्म डैमेज पैटर्न है तो उसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है तो मीन्स स्कैटर्ड प्रेजेंट होंगे. ठीक है, उसमें क्या है, स्कैटर्ड डैमेज ऑन वन और ओनली अ फ्यू प्लांट स्पीशीज इज इंडिकेटिव ऑफ लिविंग फैक्टर. मीन्स अगर हम किसी चीज की बात करें, अगर किसी इंसेक्ट ने किसी चीज को डैमेज करना है या किसी फंगस ने या किसी पैथोजन ने उसको डैमेज करना है तो वो एक यूनिफॉर्मली डैमेज नहीं करेगा, कि वो उसका ब्रेन इतना नहीं है कि अगर इंसेक्ट उस पर फीड कर रहा है तो वो उसको एक लाइंस में फीड करे, उसको यूनिफॉर्म पैटर्न में पहले ऐसे एक लाइन हॉरिजॉन्टली उसको फीड करे फिर वो वर्टिकली फीड करे, ऐसे नहीं होगा. मीन्स अगर नॉन यूनिफॉर्म डैमेज पैटर्न है तो मेनली वो डिपेंड होगा कि वो लिविंग फैक्टर की वजह से डैमेज है. मीन्स वहाँ पे पैथोजेंस भी हो सकते हैं, वहाँ पे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं. फिर हम अगर सेकेंड बात करें नॉन यूनिफॉर्म डैमेज पैटर्न की, तो नॉन यूनिफॉर्म डैमेज पैटर्न में क्या आएगा, ओवर ए लार्ज एरिया एंड ए यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन द इंडिविजुअल प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स इंडिकेट नॉन लिविंग फैक्टर लाइक मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर. सो नॉन यूनिफॉर्म में नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है, सॉरी यूनिफॉर्म में डैमेज पैटर्न में नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो वो नहीं आएंगे, जो इसमें फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट है डेलिनेट टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ
डैमेज पैटर्न, मींस के जो डैमेज के पैटर्न है, डेलिनेट टाइम क्या है, जो डेवलपमेंट के जो डैमेज पैटर्न है वो कैसे हैं, ठीक है, और उनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे, मतलब किस एरिया पे, किस पार्ट पे उनकी जो डेवलपमेंट हुई है. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव स्प्रेड ऑफ द डैमेज ऑन ए प्लांट ऑन टू अदर प्लांट और ओवर एन एरिया विद टाइम इंडिकेट डैमेज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. मींस उसकी प्रॉपरली जो है डेवलपमेंट की डिटेक्शन करना कि वो प्लांट के ऊपर है, ठीक है, उस एरिया में है, और उसका जो टाइम है डैमेज का वो किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का है और कौन सा किस टाइप का डैमेज है. डैमेज अकर्स डू नॉट स्प्रेड टू अदर प्लांट्स और पार्ट. मीन्स सेकेंड थिंग है जो डैमेज अक्कर डज नॉट स्प्रेड टू अदर प्लांट ऑफ द अफेक्टेड प्लांट. क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन डैमेज एंड अनडैमेज टिश्यू. दीज क्ल्यूज इंडिकेट नॉन लिविंग डैमेज फैक्टर्स. नेक्स्ट है डिटरमाइन कॉजेज ऑफ द प्लांट डैमेज. मीन्स कि अगर हम प्लांट के डैमेज को डिटरमाइन करना हो तो सबसे पहले हमें डिस्टिंग्विश करना होगा अमंग लिविंग फैक्टर्स. सिम्टम्स एंड साइन ऑफ पैथोजन का पता होना चाहिए. सिम्टम्स एंड साइन मीन्स अगर हम किसी चीज से उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन से जो जब डिस्टिंग्विश करेंगे तो जो लिविंग फैक्टर्स हैं उनका डैमेज कैसा होता है. जैसे हमें इस चीज़ का पता चल गया कि जो लिविंग फैक्टर्स हैं वो कभी भी यूनिफॉर्मली डैमेज नहीं करते. मींस जो नॉन यूनिफॉर्म है वो लिविंग फैक्टर्स करते हैं, ठीक है. तो इसमें अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो क्या आएगा, सिम्टम्स एंड साइन ऑफ पैथोजन, सिम्टम्स एंड साइन ऑफ इंसेक्ट माइट्स एंड अदर एनिमल्स. डिस्टिंग्विश इन अमंग नॉन लिविंग फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर जैसे मैकेनिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर. नेक्स्ट है सेम जब जैसे हमने फर्स्ट में किया था च्यूइंग टाइप ऑफ इंसेक्ट. सबसे पहले जो च्यूइंग टाइप के इंसेक्ट है उसमें ईट प्लांट टिश्यू सच एज उसकी लीव फ्लावर एंड बर्ड्स के ऊपर एंड ट्विंग्स रीजन जो उसका सर्कुलर रीजन होता है उसके ऊपर ये फीड करेंगे. इंडिकेशन ऑफ डैमेज बाय दीज इंसेक्ट इज ऑफन सीन बाय अनइवन और ब्रोकन मार्जिन ऑन द लीव्स. स्कैलोनोटाइजेशन ऑफ लीव्स एंड लीफ माइनिंग. मीन्स अगर हम अभी च्यूइंग टाइप की बात करें तो इसमें क्या है कि कुछ भी यूनिफॉर्मली इवनली कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें ब्रोकन जो है मार्जिन प्रेजेंट होंगे, ठीक है. जो च्यूइंग टाइप का इंसेक्ट है इसमें ज़्यादातर जैसे ग्रास ओपर हैं एंड जितने भी कैटरपिलर्स आते हैं, कैटरपिलर्स च्यूइंग इंसेक्ट कैन बी बीटल अडल्ट और लार्वा. मीन्स च्यूइंग इंसेक्ट में बीटल्स भी अडल्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, और उनकी जो लार्वल स्टेज है कैटरपिलर्स हैं वो भी आ सकते हैं. Entire leaf blade consumed by various caterpillars, cankerworm and webworm. Means के जो entire fully जो उसका leaf का blade है उसको ही consume करे by various caterpillars होते हैं, ठीक है, और only mid vein remain. Mid vein leaf blade क्या है, जो उसकी mid line present होती है उसके जो sides वाला portion है उसके ऊपर बिल्कुल वो feed कर जाए, लेकिन जो उसकी टफ सा पार्ट होता है मिड वेन प्रेजेंट होती है वही रिमेन रहे. वो क्या है, इंटायर लीफ ब्लेड कंज्यूम करते हैं वो कैटरपिलर्स, कैंकर वॉर्म्स एंड वेब वॉर्म्स. डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ द लीफ मिसिंग. लीफ सरफेस डैमेज किसकी वजह से होता है, स्लग्स, बीटल लार्वा, पर्ल स्लग, पर्ल स्वाफी लार्वा, एल्म लीफ बीटल एंड ट्रिप्स. तो आपको एक एक एग्जाम्पल इसमें याद करनी है. मेनली आपको अगर इसमें क्वेश्चन आए कि डैमेज किसकी वजह से होता है तो आपको सबसे पहले मेंशन करना है कि इंसेक्ट की वजह से भी होता है, फंगल डिसीजेज भी होती है. अगर हम इंसेक्ट के बारे में ज़्यादातर जो क्वेश्चन इस पर आता है क्योंकि ये आपका जो सब्जेक्ट है वो इंसेक्ट पेस्ट के रिलेटेड है,
तो मेनली जितने भी अभी तक के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो डैमेज एंड डिटेक्शन है, जो वो इंसेक्ट पेस्ट के बेसिस पे ही आता है कि अगर आपको कोई भी 5 इंसेक्ट बताओ और उनके जो डैमेज सिम्टम्स हैं वो बताओ और आप उनकी डिटेक्शन कैसे करोगे। तो जैसे आप किसी 5 चूइंग टाइप का इंसेक्ट ले लो, बाइटिंग टाइप का, कुछ सकिंग टाइप का, गाल मिर्च ले लिया, बोरिंग टाइप का ले लिया, उसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप एक इंसेक्ट का नेम लिखोगे कि हाँ ये वाला जो इंसेक्ट है वो इस चीज के वो डैमेज करता है। उसके बाद क्या आएगा, अगर इंसेक्ट का नेम आया उसके बाद आपको उसके डैमेज सिम्टम पता होना चाहिए कि इसके ये जो है वो डैमेज सिम्टम्स है। फिर आपको इस चीज का डिटेक्शन कैसे किया आप लोगों ने कि ये इंसेक्ट का ही डैमेज है, वो सारे पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करनी है जो हमने लास्ट से अभी तक किए हैं, फिर उसके बाद उसकी जो हिस्ट्री है वो करनी है, जो प्लांट प्लांट जो डिसीज है उसको डिटेक्ट करना है कि उसकी इनिशियल स्टेज कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद फर्दर ऑन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, फिर हमें डिटेक्ट करना है कि वो लिविंग फैक्टर्स हो सकते हैं या नॉन लिविंग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें आता है। फिर सकिंग टाइप के इंसेक्ट्स हैं जो वो क्या करते हैं, सकिंग करेंगे, इसमें सकिंग इंसर्ट जो बीक है प्रोबोसिस रीजन है वो अपना टिश्यू के अंदर करते हैं, और जो प्लांट का जितना भी अगर प्लांट के ऊपर लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उसमें जो उसका जूस है उसके ऊपर सक करते हैं। तो मेनली इसमें क्या ज्यादातर विल्टिंग स्टेज का डैमेज होता है इसमें और डिसकलरेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल मोस्टली जो अपनी प्रोबोसिस रीजन पे फ्लावर के अंदर बीक को, जैसे बीक हम बोलते हैं जो बर्ड्स की बीक होती है, लेकिन जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स में हम वर्ड यूज करते हैं प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस रीजन को जो टिश्यू के अंदर इंसर्ट करने के बाद वहां से जो जूस रीजन के ऊपर जो उसके फ्रूट को सक करते हैं प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हम अभी इसमें सकिंग इंसेक्ट्स आ जाएंगे। सकिंग इंसेक्ट्स के बाद आपके माइंड में आना चाहिए कि कैसे डैमेज होता है। तो मेनली ये क्या है, इफेक्ट इसका है जो इंडिकेशन है वो क्या है, डिसकलरेशन हो जाती है, लीव के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं या फिर विल्टिंग हो जाती है। सकिंग का डैमेज ये आपके लिए नहीं है, आप जस्ट इसको ही डिटेल में लिखोगे, डिसकलरेशन एंड विल्टिंग को। इंजरी बाय इंटरनल फीडर्स, अगर हम अभी बात करें जो इंटरनल फीडर्स हैं उसकी वजह से कौन सी इंजरी आती है, जैसे हमने बात की थी गाल मिर्च, वो इंटरनल फीडर्स में नहीं आएंगे। इसमें जो जैसे बोरर्स हैं, स्टेम बोरर्स हैं, ठीक है, व्हेन दी लार्वे फीड ऑन दी वुड और पिथ ऑफ दी प्लांट और पार्ट ऑफ दी प्लांट विच मे बी जनरली लार्ज इनफ टू कंटेन दी बॉडी ऑफ दी पेस्ट, दे आर रेफर्ड एज ए बोरर्स। आप बोरर्स को समझते हो ना, जैसे बॉल वॉर्म होते हैं, मीन्स के जो उसकी टर्मिनल शूट्स है उसके अंदर वो बोरर, उसके अंदर वो बोरिंग करके उसके अंदर जाके उसका जो सारा अंदर का पोर्शन है उसको फिनिश करने के बाद जो डैमेज शो करे वो कौन करते हैं, बोरर्स करते हैं, ठीक है। द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ एन अडल्ट बीटल बोरर इज दैट ऑफ कोकोनट राइनोसिरस बीटल। कोकोनट राइनोसिरस बीटल होती है। राइनोसिरस आपने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ लार्वे पढ़े हैं आप लोगों ने, उसमें था एक राइनोसिरस लार्वा और शायद प्यूपा में था, वैसे टाइप की बीटल होती है जो इसकी मेन एग्जाम्पल है। वॉर्म्स और वीवर, फिर द लार्वे बोर इनटू द फ्लावर बर्ड एंड कॉज शेडिंग, सच लार्वा आर यूजली कॉल्ड बर्ड वॉर्म। अगर आपको लगे कि ये चीजें भी आपने इंटरनल फीडर्स में करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन इंटरनल फीडर्स में बोरर्स की ही टाइप लिख देना आप लोग। लीफ माइनर्स, व्हेन द लार्वा बीइंग वेरी स्मॉल लिव इन बिटवीन द टू एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीव्स एंड फीड ऑन द फूड मटीरियल इन साइड, दे आर रेफर टू एज ए लीफ माइनर्स। सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स आर द सिट्रस लीफ माइनर, द कैशियो एंड मैंगो लीफ माइनर एंड द बेप्रेस्टेड लीफ माइनर ऑन द बर्लेरिया क्रिस्टेटा। इंजरी टू द स्टोर्ड प्रोडक्ट, अगर हम किसी स्टोर्ड प्रोडक्ट की बात करें
तो स्टोर्ड प्रोडक्ट में क्या है, उसमें भी वीवल्स आ जाते हैं, स्टोर्ड ग्रेन्स भी। तो लेकिन आपको इसमें स्टोर्ड ग्रेन तक नहीं जाना, आप लोगों का जस्ट है प्लांट्स के ऊपर जो इंजरी करते हैं, ठीक है। इंजरी टू स्टोर्ड प्रोडक्ट, आप इसको एक बार जस्ट देख सकते हो। जैसे अगर पोटैटो ट्यूबर मॉथ आते हैं, जस्ट स्वीट पोटैटो वीवल्स हैं, ठीक है। इट मे बी कॉन्टिन्यूशन ऑफ द फील्ड अटैक एज इन ए स्वीट पोटैटो, द एग मे बी लेड इन द फील्ड इटसेल्फ एंड द डैमेज मे अकर इन द स्टोरेज एज इन द रेड ग्राम इन्वेस्टेड बाय द रॉकेट बीटल। सो इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ फीडिंग क्या है, मेकिंग द हार्वेस्ट मोर डिफिकल्ट, कॉजिंग कंटेमिनेशन एंड लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। मीन्स आप को क्वेश्चन आ सकता है कि मेनली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस लिखो, इंसेक्ट इंसेक्ट जो है कैसे जो हार्म करते हैं, ठीक है, और कौन से इंसेक्ट्स हैं और उनका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है फीडिंग के ऊपर। यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स है आपको, आप तो बहुत सारे लॉस ऑफ क्वालिटी, लॉस ऑफ जील्ड, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। तो ये आप काफी सारे इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ऐड कर सकते हो। तो अगर हम अदर बात करें, इंजरी बाय द अदर मेथड, इंजरी बाय एग लेइंग, एग लेइंग से होना ही है, यूज ऑफ प्लांट पार्ट्स बाय मेकिंग नेस्ट, इससे भी डैमेज हो सकता है। इंजरीज इंसेक्ट बींग कैरिड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, यूज ऑफ प्लांट फॉर नेस्ट मटीरियल। तो मेनली ये जो है सारे इसके डैमेज जो है डैमेज सिम्टम्स ही होते हैं जो इंसेक्ट्स की वजह से, या फिर कोई अदर मेथड्स होते हैं, या फिर अगर आए कि इंजरी बाय अदर मेथड में क्या आ सकता है, कि अगर आपको एक 1 मार्क का कोई कहीं पे क्वेश्चन रिपीट हो कि कौन सा मेथड है जिससे इंजरी हो सकती है, नेस्टिंग से हो सकती है, अगर कहीं पे एग ले करते हैं उससे हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके मेथड्स हैं डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस बाय दी डिफरेंट पेस्ट। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करती हूँ। ओके ये एक ना आपने तो वैसे ये कंप्लीट कर लिया हुआ है, लेकिन एक ये मटेरियल था, मे भी मैंने आपके साथ अभी नहीं शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, शेयर स्क्रीन दिख रही है आपको। इस यस पे मैम फोकस नहीं करना आप लोगों को, ये है लिखा हुआ है इस पे सारा कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, कौन सी फील्ड है, कौन सी ऑब्जर्वेशन आती है, कैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये है लाइन ड्राइंग ऑफ ए मेजर इंसेक्ट पेस्ट ग्रुप्स ऑफ प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन। मीन्स ये इसकी, ये वैसे प्रैक्टिकल में आता है आप लोगों का जो प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन है उसको करने के लिए। इसको आप एक बार ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इस स्लाइड को जरूर देखना अच्छे से, ठीक है। ये देखो इस चीज के बारे में बोल रही थी, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आए कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑन द बेस ऑफ डैमेज विद स्पेशल रेफरेंस टू द पार्ट्स दे डैमेज फॉर इफेक्टिव इंसेक्ट पेस्ट डायग्नोसिस। तो प्लांट पार्ट कौन सा डैमेज है, सबसे पहले रूट फीडिंग इंसेक्ट, उसके जो सिम्टम्स हैं वो लिखे हुए हैं, कौन से सिम्टम्स आते हैं जब वो डैमेज करता है। फिर स्टेम बोरर्स हैं, इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, स्टेम बोरर्स में मिलेट, शुगर केन, ब्रिंजल, भिंडी, कॉटन में ये आते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टेम बोरर्स हैं वो आएंगे, शूट बोरर्स, फिर ट्री बोरर्स, बैंक बार्क बोरर्स, गाल फॉर्मर्स, लीफ होल्डर, लीफ माइनर्स, लीफ वेबर्स, डिफोलिएटर्स, कैप्सूल बोरर, फ्रूट बोरर, सीड फीडिंग इंसेक्ट, सैप सकिंग इंसेक्ट, ये सारे ही इसमें आएंगे।
तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने करना है वो भी, ये आपने कंप्लीट कर लिया है ना, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस वाला? यस मैम। तो आप एक बार इसको जरूर देख लेना, मैं आपके साथ ये अभी इस क्लास के बाद जो है शेयर कर दूंगी। फिर इसमें है, देखो एक आपका टॉपिक है प्रैक्टिकल का भी है थ्योरी का भी है। उसमें प्रैक्टिकल में है कि इफेक्टिव सैम्पलिंग मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन, मींस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। वहां पे लिखा हुआ कि एस्टिमेशन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन, ठीक है, हाउ टू एस्टिमेट द इंसेक्ट पॉपुलेशन। तो मेनली इसमें अगर हमने एस्टिमेशन लेनी है कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी प्रेजेंट है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम थ्योरी में पढ़ेंगे, वैसे सैम्पलिंग करते हैं इंसेक्ट पॉपुलेशन की, ठीक है, जिसमें सेम आपके बिल्कुल सिंपल मेथड्स आ जाते हैं। आप केमिकल यूज करते हो, हीटिंग यूज करते हो, नेटिंग यूज करते हो, स्वीप नेटिंग यूज मेथड करते हो, स्वीपिंग मेथड, वैक्यूम नेटिंग यूज कर, ये सारे मेथड वो आ जाएंगे। हाउ टू कलेक्ट, आपका आई थिंक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रैक्टिकल रहा होगा आपका, अगर आपने एंटो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, हाउ टू कलेक्ट द इंसेक्ट विद देयर डिफरेंट मेथड्स था? यस मैम था। पॉपुलेशन के लिए ये सारे कुछ, वैक्यूम नेटिंग, एरियल नेटिंग, ट्रैपिंग, ठीक है, बेट ट्रैप, लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप्स, सक्शन ट्रैप, विंडो ट्रैप, वाटर ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, पिटफॉल ट्रैप, रिमूवल ट्रैपिंग, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सॉइल, ठीक है, रिलीज एंड रिकैप्चर टेक्निक, मीन्स इसमें एक तो एडवांस जो टेक्निक्स है वो आ जाएंगे। अदरवाइज जो है हम डिटेक्शन कैसे करते हैं कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी, हमें कैसे पता चलेगा, हम ऐसे काउंट थोड़ी करते हैं। अगर हम एक ट्री पे पॉपुलेशन पता कर रहे हैं या एक फील्ड है उस एरिया में पॉपुलेशन के एस्टिमेशन करनी है, और उसके बाद हमने क्या अंदाजा लगाना है कि अगर इस फील्ड में इतने एकड़ में इतनी पॉपुलेशन है, उसको हमने कलेक्शन की है, और ये कितना डैमेज कर सकती है, वो हम कैसे करते हैं जो इंसेक्ट है उसके उसके लाइफ साइकिल से। सपोज करो हम एक पेड़ की बात कर लेते हैं, अगर हम एक पेड़ की बात करें तो उस पर हमने इंसेक्ट का अंदाजा लगाना हो कि इस पे इसकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, तो हम नेटिंग मेथड यूज करेंगे, नेट में सभी इंसेक्ट्स आएंगे, उसके बाद हम उस इंसेक्ट की स्टडी, हमें कैसे पता चलेगा अब ये कितना डैमेज करेगा। ऐसे तो और भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो डैमेज नहीं भी करते, फिर उनकी लाइफ साइकिल, उनके मतलब उनका जो लाइफ साइकिल है वो कितने दिन तक का लाइफ साइकिल होता है, कितने दिन तक ये एग ले, फीमेल कितनी कैपेसिटी है उसके एग ले करने की, कितने एग ले करती है, एग से लार्वा तक का टाइम कितना है, लार्वा से प्यूपा तक का टाइम कितना है, प्यूपा से अडल्ट तक का टाइम कितना है, फिर उससे हम क्या उसकी एस्टिमेशन निकालते हैं कि ये एक ट्री या इस क्रॉप को कितना इंसेक्ट जो कितना डैमेज कर सकता है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसको आप जरूर रीड करना, क्योंकि जो फाइल्स होती हैं सॉरी जो पीपीटी होती है उसमें इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता। फिर मॉनिटरिंग ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, सेम उसकी जो है जितने भी हमने इंसेक्ट पेस्ट कलेक्ट किए हैं उस पर सर्वे करते हैं, कौन सी एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस को हम बोल देते हैं IESA, जिसमें हम बेसिक कंपोनेंट्स यूज करते हैं कि प्लांट की हेल्थ कैसी है उसके डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, ठीक है, जो एबिलिटी कैसी है, पेस्ट पॉपुलेशन डायनेमिक कितनी है, सॉइल की कंडीशन कितनी है, क्लाइमेट फैक्टर कौन कैसा है, ठीक है, ये है एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस में आ जाता है। फिर उसकी सर्वे करते हैं, ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग प्रोग्राम यूज करते हैं, तो मेनली ये एक फिक्स्ड प्लॉट सर्वे होता है कि जिसमें इतना आपको प्लॉट जो है वो दिया जाता है, उसमें आप इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन की सर्वे करते हो। तो इसको मैं शेयर करूंगी, इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। आज का